एंजल टीवी के सभी दर्शकों को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी विभाग की ओर से हम आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस के खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि विदेश से मिशनरी लोग जब हमारे देश में आते हैं तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो धर्म परिवर्तन करें, लेकिन ये सच नहीं है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार विदेश से मिशनरी लोग हमारे देश में आते हैं और ऐसे जगहों में जाते हैं जहाँ पे हम में से कोई भी जाना नहीं चाहेगा, और वहाँ के लोगों की भाषा सीखते हैं, वहाँ के रीति रिवाज सीखते हैं, और उन लोगों को सिर्फ यीशु मसीह के प्रेम के बारे में ही नहीं, लेकिन उनको ऐसी सुविधाओं लाकर उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आते हैं जिसके द्वारा इस संसार में उनकी एक अलग ही पहचान हो जाती है। हमारे देश में ऐसे कई मिशनरियों आए हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्यार के साथ हमारे देश के बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया है, लेकिन समय के कमी के कारण हम उन सब के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मिशनरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे देश का नक्शा ही बदल दिया है। नहीं, मुझे इंडिया नहीं जाना है। इंडिया जाने से बेहतर मैं यही अमेरिका में रहकर एक सुकून भरी आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। She was like a mother. जैसे आपने अभी देखा, इस मिशनरी का नाम डॉक्टर आयरा स्करर है। डॉक्टर आयरा स्करर की शुरुआत क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही दिन में हुआ होगा? इन सब की शुरुआत उनके दादाजी डॉक्टर जॉन स्करर सीनियर से हुआ, जो अमेरिका के पहले मेडिकल मिशनरी बनकर आए। एक दिन जब वो एक बीमार आदमी की इलाज कर रहे थे, तब उन्होंने एक पर्ची पढ़ी जिसमें पूरे विश्व के 60 करोड़ आबादी वाले क्षेत्र में कलीसिया का कर्तव्य और योगदान के बारे में बताया गया था। जब वो इस पर्चे को पढ़ रहे थे तो इनके मन में परमेश्वर का वो वचन याद आया जो कहता है कि सारे संसार में जाकर सुसमाचार को प्रचार करो और रोगियों को चंगा करो। इस वचन के आधार पर डॉक्टर जॉन स्करर ने एक दृढ़ निर्णय ले लिया कि वो एक मेडिकल मिशनरी ही बनेंगे। डॉक्टर जॉन स्करर सीनियर सिलोन में दक्षिण मिशन मूवमेंट के साथ मिशनरी बन के आए थे। जून 1819 में डॉक्टर जॉन स्करर जहाज में सवार होकर अपने परिवार के साथ भारत के कोलकाता में आए। जब डॉक्टर जॉन स्करर ने अपनी सेवकाई शुरू की तब उनकी दो बेटियों की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ उनका प्रेम और संबंध और काम की प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने अपने सारे बाकी 9 बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। डॉक्टर जॉन स्करर ने अपने सारे बच्चों को भारत में मिशनरी बनाने के लिए शिक्षित किया। उनमें से 5 डॉक्टर बन गए। स्करर परिवार ने 16 लड़कों और 3 लड़कियों को गोद लिया और उन्हें शिक्षित किया। 1836 में डॉक्टर जॉन स्करर सीनियर और रेवरेंड विंस्लो मद्रास में आए। यहाँ पर इन्होंने एक मिशन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तमिल भाषा में धार्मिक वचन और ट्रैक्स को छापा। स्करर सबसे ज्यादा ट्रैक्स बांटने वाले मिशनरियों में से एक थे। डॉक्टर जॉन स्करर के देहांत के बाद इनके सारे बच्चों ने अर्कोट मिशन के साथ इस मिशनरी मूवमेंट को जारी रखा। इनके माता पिता का प्रभाव इनके ऊपर इतना ज्यादा था कि डॉक्टर जॉन स्करर के सभी बच्चों ने अपने सारे बच्चों को परमेश्वर का भय मानना और लोगों की सेवकाई करना सिखाया। डॉक्टर जॉन स्करर के 7 बेटों में एक थे डॉक्टर जॉन स्करर जूनियर। डॉक्टर आयरा स्करर इनकी बेटी थी। स्करर सीनियर ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्हीं के वंश का कोई इस संसार में सबसे प्रभाव अस्पतालों में से एक उसी जगह में बनाएगा जहां पे वो काम करते थे। डॉक्टर जॉन स्करर जूनियर की बेटी डॉक्टर आयरा स्करर का जन्म 9 दिसंबर
1870 में रानीपेट नाम के एक जगह में हुआ था। डॉक्टर आइडा स्कडर भारत में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। जब वो 7 साल की थी, उन्होंने देखा कि भारत में अकाल के वजह से कितने सारे बच्चों के पास भोजन नहीं था और उनको वो भोजन देना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतनी रोटी नहीं थी कि वो सबको बांट सके, और इस दुख को उन्होंने अपने हृदय में रखा हुआ था। लेकिन जब उनके पिता डॉक्टर जॉन स्कडर बीमार हो गए और ये पूरे परिवार के साथ अमेरिका वापस चले गए थे, आइडा स्कडर धीरे धीरे इस बात को भूल गई थी। 20 साल की उम्र में जब आइडा स्कडर ने अपनी सेमिनरी की पढ़ाई खत्म कर ली, तब जब वो घर में बैठी हुई थी तो उनकी सहेलियां उनसे आके बोली, शायद तुम भी अपने परिवार के लोगों की तरह भारत देश में जाओगे और परमेश्वर की सेवकाई करोगे। लेकिन आइडा स्कडर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं भारत देश बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आइए देखते हैं इस आइडा स्कडर के जीवन में ऐसे क्या हुआ जिसके वजह से वो अपने बीमार माँ को देखने जब भारत आई, उसके बाद वो वापस जाना नहीं चाहती थी। One evening I was sitting alone in my room reading when I heard steps on the veranda and soon a knock. I went to the door and saw a Brahmin gentleman. I asked him if I could do anything for him. Oh yes, Amma, he said, I so need your help. My wife is dying in childbirth. And Amma, she is such a lovely girl. I heard that you had come to India, and I thought you could help her. But I replied, I know nothing about childbirth, but my father is a doctor, and I can bring him. He can save your little wife. Almost in horror, he raised his hands, saying, I could not take a man into my house. No man can look upon my wife. If you cannot come, she must die. He left and I sat down at my desk, feeling desperate. After some time I heard footsteps. I ran to the door thinking that the Brahmin had returned. Instead there stood a Mohammedan and with the same request. He too turned away repeating the same words. Oh, she must die. I felt I could not bear it. And again I heard footsteps in the same evening. Similar requests came from a third man. There was no sleep for me that night. I could not forget those three young women dying in childbirth when I could not help them. प्रिय डायरी, कल रात 3 स्त्रियों की मृत्यु हो गई है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाई। सबसे दुख की बात यह है कि वे मसीह के बिना मर गई क्योंकि मैंने उन्हें मसीह के बारे में नहीं बताया। उनका लहू मेरे हाथों में है। प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूँ, उसे लेकर आप इस्तेमाल करिए। By morning my decision was made. I could go to America, study medicine, and return to India as a doctor to try to save the lives of those who needed me. जैसे अभी आपने देखा कि जिस तरह डॉक्टर आइडा स्कडर अपने घर में बैठ के ये सोच ही रही थी कि वो किस प्रकार वापस जाकर अपने देश में अपने स्वप्न का राजकुमार से शादी कर एक अच्छे ऐश और आराम के जीवन व्यतीत करेगी, तभी उनके घर में 3 लोगों ने खटखटाया और उनकी सहायता मांगी। पर वो ऐसी एक स्थिति में थी जहाँ पे वो सहायता नहीं कर पा रही थी, और वो लोग धार्मिक और सामाजिक स्थिति के कारण आइडा स्कडर के पिता की मदद नहीं ले सकते थे, जिसके वजह से उन 3 स्त्रियों का देहांत हो गया। इस कारण आइडा स्कडर ने ये निर्णय लिया कि वो अमेरिका वापस जाएंगी और 4 साल मेडिकल डॉक्टर बनने का प्रशिक्षण पाकर भारत वापस आकर यहाँ की स्त्रियों को चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षित करेंगी। डॉक्टर आइडा स्कडर ने ऐसी स्त्रियों को जिन्हें समाज सोचता था कि 4 दीवारों के अंदर बैठना चाहिए, उनके लिए ऐसे एक द्वार खोला जिसके द्वारा वो बाहर निकल कर आकर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाकर उन्होंने हेजे और कोड जैसे बीमारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने जीवन को सौंप दिया। आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर आइडा स्कडर के जीवन का प्रभाव वहाँ के लोगों के ऊपर किस तरह पड़ा कि वहाँ के लोगों की स्थिति ऐसे एक जगह में आ गई जिसके द्वारा CMC वेलोर का जो हॉस्पिटल है वो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटलों में से एक बन गया।
हर दिन हजारों लोग सीएमसी वेलोर के मेडिकल कॉलेज में आते हैं। ये लोग अस्पताल की चिकित्सा सेवा की श्रेष्ठता और वहाँ के कर्मचारियों की ईमानदारी और दया भाव से आकर्षित होकर भारत के चारों तरफ और बाहर से यात्रा करके आए हैं। 100 से कुछ अधिक सालों में ही उसके संस्थापिका आई रसकरण के द्वारा एक छोटे एक बिस्तर वाले सीएमसी क्लिनिक आज एक विशाल नवीन सुविधा वाला अस्पताल में बदल गया है, जो ऐसा देखभाल की सुशिक्षित करता है जो उसे भारत के सबसे उत्तम अस्पतालों में से एक बनाता है। सीएमसी में आने वाले हर एक बड़ी जरूरत और आशा के साथ अपनी कहानी लेकर आते हैं। सीएमसी हर एक का स्वागत करता है और उनकी कहानियों को अपनी कथा में जोड़ देता है। ये सिर्फ कुछ लोगों का विवरण है जो सुशिक्षित करते हैं कि सीएमसी गरीब और जरूरतमंद की सेवा, शिक्षा, अनुसंधान, पुनर्वास और सबसे अधिक चिकित्सा सेवाओं के द्वारा करने के वायदे को पूरा करता है। भारत की अपनी अद्वैतिक चुनौतियाँ हैं, खासकर 1.2 अरब लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। सीएमसी के निर्देशक डॉक्टर सुनील चंदी इन जरूरतों से सचेत हैं और वे एक रणनीतिक प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। I have been given a mandate to respond to the changes and challenges that we see in our country. India is in rapid transition. There's a lot more affordability that our patients have. There's been a social migration from below poverty line to low middle class. There's a changing expectation of people in terms of health infrastructure and the way hospitals should function. के लिए सीएमसी का 3 कार्यक्रम शिक्षा और परीक्षण द्वारा दयावन उत्तम और नैतिक चरित्र वाले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पेशवरों को तैयार करना, समुदाय में चिकित्सा सेवाएं और अस्पतालों के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाना, अनुसंधान के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य की जरूरतों को और संसाधनों की कमी के लिए उचित और कम खर्च वाली समाधान ढूंढना। जिस समय मेडिकल स्कूल में लेक्चर शुरू हो जाता है, उसी समय गांवों और समुदाय जो वेलोर के चारों ओर है, वहां के क्लिनिक और घरों में बीमारों को देखने के लिए नर्सिंग कॉलेज में भागदौड़ लगी रहती है। यहां छात्र नर्स अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण लेते हैं, जो इस सीएमसी के मेडिकल शिक्षा का एक मुख्य भाग है। निश्चित रूप से सीखने का एक अच्छा तरीका है। हम यहाँ आते हैं, हम अपनी आंखें खोलते हैं और मानवता का पाठ सीखते हैं। हम हमारे कान खोलते हैं और वो सब पीड़ा और आंसू को सुनते हैं। शिक्षा सीएमसी का अभिन्न अंग है। उसके संस्थापिका डॉक्टर आडास्कर जानती थी कि अगर सच में बीमार और जरूरतमंद के जीवन में बदलाव लाना है तो स्थानीय नर्सों, डॉक्टरों और संबंधित स्वास्थ्य कामगार की जरूरत होगी। 100 से अधिक साल बाद सीएमसी अपने स्थानकों की उत्कृष्टता के लिए एक गहरी प्रतिष्ठा का स्थान बना चुका है। बेकर और पृथ्वीराज को अस्पताल के नवजात वार्डों में अपने कोर्स का अभ्यास करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। दूसरे साल से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाती है। जब हम बिस्तर के पास होते हैं तो हमें कठिन अध्ययन करने का उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना होती है। यदि हम यहाँ नहीं होते तो बहुत कुछ जो हमने किताबों में पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं होता। हम हमेशा नवजात बच्चों के वार्ड में आना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे इतने सुंदर हैं और माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें नए बच्चे मिल गए हैं। वार्ड की दूसरी ओर नर्स छात्र क्लारा और शालिनी अपने शिक्षक के साथ संशोधन करने आए हैं। सीएमसी के मेडिकल मिशन के उद्देश्य उन लोगों को शिक्षित करने के द्वारा होता है जो इस बुलावट का आदर करते हैं। मसीह की आत्मा में सेवा, पीड़ा से छुटकारा और स्वास्थ्य का बढ़ावा देना है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिशनरी होने के लिए डॉक्टरों को बाहर बेचने वाले कॉलेजों में से ये प्राथमिक कॉलेज है। अब क्योंकि मुख्य रूप से मैं यही बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस जगह को इसे पाने के लिए सबसे अच्छा जगह मान लिया है। कुमार
अमरेसन ने जब 6 साल पहले गिरने के कारण अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया था, तब उसे और उसके परिवार के लोगों को भविष्य अंधकार में लग रहा था। सीएमसी पूर्ण स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता सार्थक समुदाय सदस्यता को बहाल करने की दृष्टि रखता है। सीएमसी के पुनर्श्वास विभाग की सहभागिता के कारण कुमरेसन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पाकर एक सुनहरे भविष्य के लक्ष्य को पाने की प्रेरणा रखता है। गिरने से पहले मैं खेल में बहुत रुचि लिया करता था। गिरने के बाद मैं उदास था और फिर मैं एक पुनर्वास स्वयं सेवक से मिला। उन्होंने मुझे उत्साह दिया कि मैं खेल के आयोजन में भाग ले सकता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैं एक गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहता हूँ, विशेष रूप से पैरालंपिक, विशेष रूप से शॉट पुट, वो मेरा खेल है। इसके अलावा मैं बाला और बास्केटबॉल में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लेना चाहता हूँ। कुमरेसन ने उनके पैरालंपिक सपनों को सच करना, उसके परीक्षण कार्यक्रम को बनाए रखने में और प्रायोजन करने वाले पर निर्भर है। लेकिन कुमरेसन बड़े जोश से सुबह के परीक्षण सत्र के लिए बाहर नेतृत्व करना पसंद करता है। मैं निश्चय भारत और अपने लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करूंगा। एक बड़े से अस्पताल को चलाना सिर्फ चिकित्सा संबंधित समस्याओं का समाधान करना नहीं है। सीएमसी अल्प प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध करने की और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी तरीकों की तलाश में है। डॉक्टर अन्ना तारियन ने प्रवेश करते समय ये सोचा था कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनको सब कुछ पता है। फिर एक स्थानीय आदमी ने उन्हें वेल्लोर के सड़कों के चारों ओर ड्राइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पहले हम डॉक्टरों को समुदाय से बाहर आकर देखने का अनुरोध किया। उन्होंने सड़क के किनारे में बैठे हुए मानसिक बीमारी वालों को दिखाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि हर एक की देखभाल करने के लिए लोग थे, दूसरों इंसान की मदद करने के लिए पहुंच गए। और वास्तव में बात यह है कि इस मनोरोग ने थोड़ी सी अलग तरह की क्लिनिक सेवाएं प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया, जो यह प्रयास मानसिक बीमारी से पीड़ित उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिनको परिवार से कोई सहायता नहीं मिलता। ये समझते हुए कि समुदाय कैसे मानसिक बीमारी से पीड़ित हुए बीमारों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जहां सबसे अधिक से क्लिनिकल मदद चाहिए, सीएमसी के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट ने उसे प्रदान किया है। प्रेमा और रमेश के घर से बेहतर कहीं भी ये देखी नहीं जा सकती, जो 100 से अधिक लोगों को छत और सहारा दे रहे हैं। और अब एक के बाद एक अन्ना और उनके टीम उनके साथ इन खोए हुए आत्माओं के लिए क्लिनिकल और मनोरोग सेवाएं प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। ये एक व्यक्ति का देखभाल करने का इस समुदाय में उसको एक जगह देना है और उसकी बीमारी का इलाज भी करना है जिससे वो व्यक्ति पीड़ित है, तो ये पूरी तरह से इस समाज में अपने स्थान को प्राप्त करने का कार्य है जो इस बीमारी के कारण उसके हाथ से छीना गया था। लेकिन ये पता करना कि हर दिन 12 टन कचरा जो अस्पताल और कॉलेज उत्पन्न करता है उसे हर दिन गड्ढे में फेंका जा रहा है, जो एक परियोजना के लिए प्रेरणा देती है और इसमें शामिल सभी लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव और एक टिकाऊ भविष्य के लिए प्रेरणादायी है। स्वास्थ्य देखभाल की कीमत महंगाई या व्यक्तिगत कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है। इस परियोजना के कई फायदे हैं, इसलिए फेंकने के बजाय हम हमारे कचरे का पुनरावृत्त करते हैं। हमें कचरे से कुछ कमाई प्राप्त होता है क्योंकि हम इसे अलग करते हैं और खाद पैदा करते हैं और प्लास्टिक और गत्ता को बेचते हैं, और हम उन गरीब महिलाओं को जिन्हें नौकरी की जरूरत है नौकरी देते हैं। सीएमसी की ग्रीन टीम के अन्य पहल में वाटर रिसाइकल छतों में लगे 100 पैनल के माध्यम से बिजली का उत्पादन और अस्पताल के सामने रखे हुए न्यू स्पेस एज डिश है जो सूर्य की ओज को काम में लाकर पानी को गर्म कर सकता है। इस परियोजना पर काम वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगी कि यह मेरे जीवन में जो मैंने किया है उनमें
सबसे अच्छी बातों में से एक है। हमारे समुदाय में इसका एक बड़ा असर पड़ा है। इसके माध्यम से कई महिलाओं को बड़ी संख्या में मदद मिली है और देश के बाकी हिस्सों के लिए कचरे का प्रबंधन करने का तरीका का आदर्श है। उसी समय में गरीब महिलाओं जिनको स्थिर रोजगार की जरूरत है, हम नौकरी देंगे। चिकित्सा में श्रेष्ठता प्रदान करने के साथ साथ जिसके कारण भारत के हर भाग से मरीज यहाँ आने के लिए आकर्षित होते हैं, इस अस्पताल के शुद्ध और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के एक अनोखा सीएमसी का तरीका है जो इसने अपना लिया है। इसके कारण सीएमसी को कई क्षेत्र में पहला स्थान मिला है, जैसे कोड, कार्डियोलॉजी और पोलियो और सर्जरी, क्लिनिकल और सामाजिक क्षेत्रों में। सीएमसी भारतीय स्थिति के आधार पर टेक्नोलॉजी और तकनीकों का विकसित करता है, जिसके द्वारा जान बचाया जाता है और स्वच्छ स्वास्थ्य सस्ता हो जाता है। 8 साल पहले डॉक्टर चेरी कैंग और उनके दल ने एक सस्ता रोटोवायरस डायरिया के टीके का विकसित किया, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। गैस्ट्रो बीमारी से 30,000 बच्चे भारत में हर साल मर रहे थे। जिस तरह उन्होंने इस चिकित्सा के कार्यक्रम को बनाया और उसका प्रतिफल हमें साफ रीति से दिखाता है कि सीएमसी समुदाय और लोगों को कैसे उन बातों में भागीदारी बनाता है जिनकी वह सेवा करता है। मुझे यह ठीक नहीं लगा कि जिस समाज में हम सेवा नहीं करते उसमें हम अनुसंधान करें, तो इस क्लिनिक के यहाँ होने का कारण है इस समुदाय का स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाए। पास ही एक अनुसंधान का क्लिनिक है। अगर हम अवलोकन का अध्ययन कर रहे हैं या लोगों को काम पर ले रहे हैं तो हम उन्हें इधर भेजते हैं। समुदाय क्लिनिक के द्वारा प्रयोग किए हुए अनुसंधान में डॉक्टर चेरी कोंग की टीम ने रोटावायरस वैक्सीन के प्रभाव को साबित किया, जो भारत सरकार द्वारा समर्थन किया गया है। यह सोचते अच्छा लगता है कि एक भारतीय समस्या को भारतीय वैज्ञानिक करे और एक भारतीय कंपनी के माध्यम से उत्पाद विकसित करके भारतीय बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। You know, India has always been plagued by infectious diseases such as malaria, filaria, leprosy and tuberculosis, but that's rapidly changing now. It's now being replaced by the lifestyle diseases such as hypertension, diabetes, heart disease, psychiatric illnesses and road traffic accidents, which is now placing a huge burden on our institution. भविष्य में सीएमसी की चुनौतियां अस्पताल की व्यस्त दुर्घटना और आपातकालीन विभाग से जुड़ी हुई है, जिसके संसाधन दैनिक आवश्यकता के आधार पर एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर थॉमस बानो सड़क दुर्घटनाओं और अन्य दुर्घटनाओं से आघात पीड़ितों की देख देखते हैं आयडा स्कडर की कहानी। जब भी समय मिलता है तो भोर को हम दोस्तों के साथ मिलकर इस पहाड़ में आके परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं। इससे हमें सामर्थ्य मिलता है और हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है। ये हमारे हृदय को और हमारे मन को शांत रखता है ताकि हम पूरे दिन के काम को खुशी से और उत्साह से कर सकें। सीएमसी अस्पताल में हर दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ होता है। हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ से ही हम वो सब काम कर सकते हैं जो हमें पूरे दिन में करना होता है। सिर्फ यही नहीं, सीएमसी अस्पताल के हर एक बिल्डिंग में एक चैपल है जहाँ पे मरीज और उनके परिवार आकर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये लोग प्रार्थना में विश्वास करते हैं और इनको ये विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ से जो डॉक्टर नहीं कर सकते उसे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कर देते हैं। सीएमसी अस्पताल के इतिहास में हमने देखा कि बहुत सारे आश्चर्यजनक काम किए गए हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना से चंगाई प्राप्त करते हैं और हृदय की शांति के साथ घर वापस जाते हैं।
सिस्टर एना जो आयरस करर के समय के नर्सों में से एक थी, उन्होंने बताया कि उनके समय में ऐसा हुआ कि एक बार डॉक्टर आयरस करर बाहर निकली हुई थी तो वहाँ पे मदद करने के लिए एक छोटी सी लड़की उनके घर में रहती थी। एक इंसान जिसकी उंगली कट गई थी वो अपने टूटी उंगली को लेकर आयरस करर के घर आया था, लेकिन तब आयरस करर घर में नहीं थी। तो इस छोटी सी लड़की जिसका प्रार्थना में बहुत विश्वास था क्योंकि वो आयरस करर को प्रार्थना करते हुए देखती थी, उसने उस इंसान की उंगली के टुकड़े को उठाया और प्रार्थना किया और उस उंगली में लगाकर सुई धागा से सील दिया। जब आयरस करर वापस आए तो वो बहुत ही चकित हो गए और उसने उस लड़के को कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेप्टिक होने का डर था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उस इंसान का उंगली बिल्कुल फिर से पहले जैसा हो गया। ये परमेश्वर के अद्भुत काम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सीएमसी में लोग ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ चिकित्सा के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर की सामर्थ से भी चंगाई होती है कि सिर्फ चिकित्सा के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के कारण भी बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। 102 साल की सिस्टर एना जेकब, जो आयरस करर के समय में नर्स थी, उनके मुंह से इनके बारे में सुनते हैं। दिस इज सिस्टर एना जेकब, शी इज 100 इयर्स ओल्ड एंड शी इज ओल्डर देन द मेडिकल स्कूल। शी वाज बोर्न इन 1914 एंड केम टू सीएमसी इन आवर फर्स्ट बैच ऑफ डिप्लोमा नर्सिंग एंड शी लेटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ आवर हॉस्पिटल। क्या आपको याद है वो पहली बार जब आप आयरा से मिली? ओह, शी वाज लाइक अ मदर। आई रिमेंबर हर इन हर ब्लू ड्रेस एंड हर ब्लू आईज एंड द यंग प्रिटी डॉक्टर केम एंड वेलकम्ड अस व्हेन वी फर्स्ट वेंट टू द हॉस्पिटल एंड शी वाज सो हैप्पी एंड शी सेड, well, I'm sure we all will work together and build God's kingdom. आप उनके साथ 40 साल काम कर चुकी हैं, क्या आप दोनों दोस्त बन गए? She was first like a mother to us. Then later on, when I was a staff nurse, she was more like a older sister to me. And later on, we were very good friends. And till the last day, she was in Vellore. I used to visit her. And she will make me sit on her bed and talk about the hospital. And she was so happy when I came back after my studies. She said, now she had more or less given up most of her surgery and but she was still going to the ward, seeing patients when I returned after my studies abroad. But then we were good friends. And you talk about anything? And every Christmas she used to send me a gift. And when she comes, she'll say, Anna, I want to get old blankets and clothes. There are a lot of poor people in Kodaikanal. And I want to take. So you help me to collect those. क्या वो एक खास इंसान थी? Very, very special. And she used to take once a week our morning prayers. And she always read Corinthians 13 chapter. आंटी आयरा के लिए क्या अस्पताल ही सब कुछ था? She walked along and everyone she met, she'll say, good morning, and she will go to the ward. And we were not as doctor and nurse, but we were as part of the family. That was the way. And Christmas, we all gathered together
from college, they came to hospital, and the hospital staff, class 4 workers, everybody together in that courtyard. We had our Christmas programs all together. क्या वो सबको प्रोत्साहित करती रहती थी? She taught me several things. One thing which was obvious was her humility. The way she would come to meetings after she retired, but she wouldn't say a word, she would listen. Usually people who have had a lot of experience will start talking, but she kept quiet. And then her way of dealing with people, her longing to help the others. We used to go for a roadside clinic with her, and the patients under the trees, they'll gather together, and we will take our dressing trays and we will give injections, all that. But then we sit together and have our meals together. And she would never think of student and doctor or anything. We are all part of the family. I just wanted to ask you if you remember December 9th, 1932, the day the medical school buildings in Vagayam were inaugurated? I have a vain idea because I didn't stay there. Right. I just went for a short time and we came back because we were looking after patients in the ward. We went by bus, ambulance, not right. Bus. There was no bus at that time, only two ambulances. So we went by that and we saw the buildings, the chapel, and all that, and then we returned. Can I ask you if your dedication to CMC, has that been your true life? Yes. It's somehow or other I felt that is where I am needed. God wants me to be here. So after studies, I stayed on as a staff nurse. Then we had postgraduate studies here. And then after that, I was promoted as a sister. And then when our nursing superintendent died, while she was on duty, Miss Pittman, who was a born teacher, she didn't want to take administration. And Florence Taylor, who was a born administrator for colleges, she didn't want to take a nursing superintendent's place. But Vera Pittman had to act because there was no one else. Then they called me and asked, Anna, will you be willing to go study, come back as nursing superintendent? And I said, I'll pray about it, I'll think about it, I'll give you an answer after a few days. But then I felt it was my duty to help. So I told them yes. Then they planned to send me to WCC, Women's Christian College, for a year because I had no touch with any learning after I was a staff nurse here. So to brush up,
the learning process. They sent me to WCC for 1 year. That was 1946. So WCC, I am the oldest one there. Then I went, they had made all arrangements for me to go to McGill University in Montreal, Canada. I went there, studied for 2 years, came back and took over from Miss Vera Pittman, who was acting nursing superintendent. So you followed in the footsteps of Sister Delia Hutton? Yes. But Vera Pittman was on furlough when I was returning, and she lived in Bournemouth. So when I returned, she asked me to stop in England, and I was there 2 weeks with her. So she took me around and showed many of the large institutions, hospitals, training schools, which was a very helpful introduction. क्या आप सीएमसी के अलावा कहीं और अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे? Well, I never thought about it. There were a lot of offers. In USA, they called me. They said, why don't you come and join our staff? Canadian hospitals called me. Said, now that you have finished, why don't you join us? But nothing would stop me. I said, I feel I should go back to Vellore, to CMC. And that's where I started, and that's where I like to continue, and nothing would stop me. Even Indian government asked me if I would go as their representative to Nigeria or somewhere, and I said nothing doing. हमने देखा कि किस प्रकार जब डॉक्टर आइडास करर ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के बुलावट के अनुसार अर्पण कर दिया, उनके जीवन के द्वारा हमारे समाज में इतनी सारी बदलावट आई और उनके जीवन के द्वारा आज तक हजारों करोड़ों लोग हर दिन आशीषित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी परमेश्वर के हाथों में अगर आप अपने जीवन को अर्पण करेंगे, वो आपके जिंदगी की कहानी को भी इस तरीके से सुंदर बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से हर एक इस अनंत जीवन को पा सके। अगर आज आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे कि आपके जीवन के प्रति उनकी योजना क्या है, तो परमेश्वर आपको जरूर बताएंगे। और अगर आप अपने जीवन को उस योजना के ऊपर चलाएंगे, तो आपका जीवन बहुत सारे लोगों के लिए आशीषित होगा। प्रिय दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देखकर आप आशीषित पाए होंगे। आप अपने विचार को स्क्रीन में दिए हुए आईडी में लिख के भेजिए, हम आपके विचार को पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार फिर हिंदी विभाग की ओर से और एंजल टीवी की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय मसीह।